हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो एंड यू। दिस इज़ मनीषा। फ्रेंड्स, आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ थर्ड पार्टी के लिए कि अगर आप दोनों के कनेक्शन में थर्ड पार्टी है, ये फैमिली भी हो सकती है, जो कोई भी ऐसी चीज़ जो आप दोनों के रिलेशन में है जिसकी वजह से आप एक नहीं हो पा रहे हो या आप दोनों एक हो के भी अलग हो, तो आप ये मेरी रीडिंग देख सकते हैं कि वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से कब जाएगी, कब उनके जाने के चांसेस हैं, या फिर उसका इन्फ्लुएंस कब तक ख़त्म होगा आपके पार्टनर के ऊपर। जो भी लोग परेशान हैं, मुझे काफ़ी रिक्वेस्ट आई है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए रीडिंग बना रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो सके कि कब तक थर्ड पार्टी के जाने के चांसेस हैं या फिर उनकी एनर्जी चेंज होने के चांसेस हैं। वो मैं रीडिंग में ही आपको बताऊँगी जो भी मुझे आंसर दिखेगा। अगर आप भी जानना चाहते हो ऐसे सवालों के आंसर, तो आप आज ही मेरी वीडियो देख सकते हैं जिसके लिए मैंने रखी है पाइल 1, पाइल 2 एंड पाइल 3। आप सिलेक्ट कर लीजिए आपके लिए कौन सी पाइल आपको अट्रैक्ट कर रही है। मैं पाइल 1 से रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। चलिए देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी कब तक जाएगी। काफ़ी स्पिरिचुअल आप हुए हो इस कनेक्शन की वजह से, ये मैं देख पा रही हूँ। काफ़ी बदला है अपने आप को, काफ़ी स्टेबल हुए हो आप फिज़िकली, मैं बोलूँ मेंटली बोलूँ इमोशनली बोलूँ, आपने काफ़ी हिम्मत दिखाई है और अब आप पहले से भी ज़्यादा मैच्योर हुए हो। इस कनेक्शन की वजह से आप या हीलिंग का काम कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो यूनिवर्सल एनर्जी से कनेक्ट होकर आप कर रहे हो, या फिर आपको इंट्यूशन होती है, उनके मैसेजेस मिल रहे हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं। जो ये मेरी वीडियो देख रहे हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में थर्ड पार्टी है, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप अलग हो अपने पार्टनर से और आपके पार्टनर हैं जो एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स को खुल के नहीं बताते हैं। ऐसी सिचुएशन आप दोनों में बनी हुई है, आप दोनों अभी अलग अलग हैं, एक नहीं हो पा रहे हैं इस सिचुएशन की वजह से। लेकिन आपकी लाइफ में ये जो भी कुछ हो रहा है, ये टाइम बदलने वाला है, अब पीसफुल होते जाएंगे जैसे जैसे आप खुद जानते हैं कि आप किस जर्नी पे हैं, आप ट्विन फ्लेम हैं, तो ऐसे चांसेस बहुत हैं कि अब आगे जब भी बढ़ रहे हो, आप सही दिशा की तरफ जा रहे हो, आने वाला टाइम आप दोनों की लाइफ में काफ़ी पीसफुल होने वाला है। आपको आगे बढ़ना है, आपको स्टक एनर्जी में नहीं रहना है, ये मैं गाइडेंस आपको देना चाहती हूँ। तो विशेष फुलफिलमेंट कप है, ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाता है कि आप दोनों का यूनियन होना पॉसिबल है। ये आप उसी रास्ते ही जा रहे हो जो भी आप देख रहे हो मेरी ये रीडिंग। तो 10 महीने के टाइम लगेगा कि आपकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी है वो जाने के चांसेस हैं। पीसफुल पीरियड आने वाला है आप लोगों की लाइफ में। यहाँ पे मेरे पास दो एनर्जी है, ठीक है। एक तो कुछ है जो कुछ लोग आप में से जो देखने वाले हैं, उनका यूनियन होना पॉसिबल है 10 महीनों में, और कुछ लोग मुझे ऐसे दिख रहे हैं जो ऑलरेडी मैरिड हैं आप में से विद अनदर पर्सन। आपकी शादी हो चुकी है किसी और से, उनकी शादी हो चुकी है कहीं और किसी और से, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे जिनके भी केस हैं, उनको कम से कम काफ़ी टाइम लगेगा, काफ़ी साल इंतज़ार करना पड़ेगा जिनके पार्टनर ऑलरेडी शादीशुदा हैं, उन लोगों को कम से कम 7 साल का टाइम लगेगा यूनियन में आने के लिए। जो ऑलरेडी बच्चे हैं जिनके, ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप भी मैरिड हैं, ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी है आपका,
तो अगर फिर भी आज भी आप यूनियन का उनके बारे में सोच रहे हो कि क्या कभी थर्ड पार्टी उनकी लाइफ से जाएगी, थर्ड पार्टी तो है डेफिनेटली, जिसकी वजह से आप हार्ट ब्रेक भी फेस कर चुके हो अपनी लाइफ में बहुत बड़ा, जिसकी वजह से आप ट्रांसफॉर्म होके द हाई प्रिस्टिस मोड में आए हो। अगर इस तरह की एनर्जी है, मैं जो प्रडिक्ट कर रही हूँ आपको रेजोनेट हो रहा है, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए हो सकती है। कुछ लोगों का यूनियन होगा 10 महीनों में, कुछ लोगों का यूनियन होने का पॉसिबल है, ये रिलेशन और अच्छा होने का चांसेस हैं 7 मंथ, ओ सॉरी 7 ईयर्स। अभी आपके पार्टनर इसी वजह से अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ है, आप कह सकते हो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, उन्होंने अपने इमोशंस को दबा के रखा है, थोड़े से लॉजिक होके सोच रहे हैं, तो वो अपनी फैमिली को डिफेंड कर रहे हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी चाहते हैं कि उनके साथ कुछ गलत ना हो। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप पॉजिटिवली ही लीजिए उनके इस एफर्ट्स को, आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो अच्छे इंसान हैं, क्योंकि वो आपकी डिवाइन सोल है, तो डेफिनेटली आपको उनको जज नहीं करना है, इस सिचुएशन को समझने की अभी कोशिश करनी है, और आप सोल लेवल पे हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट रहोगे, आपका ये कनेक्शन हमेशा रहेगा बना हुआ। तो थोड़ा सा आपको अपने परसेप्शन को बदल के ही चलना है, होपलेस नहीं होना है मेरी ये रीडिंग देख के भी, क्योंकि आंसर ना नहीं आया है, बस सिचुएशन थोड़ी सी अभी टफ है, क्योंकि यही आपका कर्मा है, आप कह सकते हो ये जो कुछ भी हो रहा है सिचुएशन के हिसाब से हो रहा है, ये लिखा हुआ है आपके साथ होना और ये होकर ही रहेगा। आप 6-7 साल आप लोगों को इंतज़ार करना पड़ सकता है, और तो ये है रीडिंग पाइल 1 वालों के लिए। होप गाइस आपको रेजोनेट की हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को अगर आप नए हैं, ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप मैं रीडिंग करूँगी पाइल 2, एक्चुअली मुझे याद नहीं मैंने पाइल 2 पे कौन सा ब्रेसलेट रखा था, चलिए आपको याद होगा तो आप याद रखिए पाइल 2 वालों के लिए। मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ पाइल 2। कुछ परेशान लग रहे हैं मुझे आप लोग जिन्होंने पाइल 2 चूज किया है, कभी फ्यूचर का सोचते हैं, कभी पास्ट में आके अटक जाते हैं, ऐसी एनर्जी है आप लोगों की थर्ड पार्टी की वजह से। आप शायद परेशान हैं, आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा, चलिए कोई बात नहीं, आप प्रे कर लीजिए आज आपको इस रीडिंग में आपके सवालों के जवाब मिल जाए। चलिए देखते हैं ये कौन सा कार्ड आया है हमारे पास। यस, 9 ऑफ पेंटिकल, कहीं ना कहीं आप स्टेबल हैं, या फिर ये थर्ड पार्टी का भी इंडिकेशन हो सकता है जो आप दोनों के बीच में इन्वॉल्व है। लेट मी चेक मोर कार्ड्स। यस, द हायरोफेंट एनर्जी है यहाँ पे हमारे पास, वेरी पॉजिटिव। आप लोगों में आपके जो पार्टनर है ना, मुझे लग रहा है कि इस वक्त स्पिरिचुअली कनेक्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, यूनिवर्सल एनर्जी से, और आप कहीं ना कहीं मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड पे ध्यान दे रही हो, ऐसी एनर्जी है जो फेमिनिन है, वो शायद इस वक्त अपनी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तरफ कदम बढ़ा रही हैं, क्योंकि वो पहले से ही स्पिरिचुअल कनेक्ट
मतलब उनके साथ डिवाइन के साथ उनका हो चुका है। अब वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ ग्रो कर रही हैं और उनके पीछे पीछे आपके जो पार्टनर हैं वो भी अब स्पिरिचुअल कनेक्शन में आ रहे हैं। और आप शायद जिससे भी प्यार करते हो वो समाज को काफ़ी मानते हैं। लोग, दुनियादारी, समाज, रिलीजन का भी फर्क हो सकता है आप दोनों के बीच में, जिस वजह से आप दोनों अलग अलग हैं। ये थर्ड पार्टी ये भी हो सकता है एक इशू, आप दोनों जिस वजह से सेपरेट हैं, क्योंकि आपकी इंटरकास्ट हो सकते हैं रिलेशनशिप, इंटरकास्ट मैरिज के लिए घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं और वो समाज को साथ लेके चलने वाले लोग हैं, जिस वजह से वो उन्होंने आपकी तरफ रिश्ता नहीं बढ़ाया है, अपने हार्ट को क्लोज करके रखा है। ऐसा नहीं है कि वो पर्सन आपको प्यार नहीं करते, वो आपको प्यार करते हैं, क्योंकि मेरे पास है 9 ऑफ कप, आपकी विश, आप उनकी विश हो, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं वो घर के बड़े भी हैं और वो ऐसा कोई भी नहीं करना चाहते हैं जिसकी वजह से शायद उनको सुनना पड़े लोगों की बातें, क्योंकि वो ऐसी चीज़ों पे बिलीव करते हैं। यस, हैंडमैन एनर्जी है, कहीं से कोई मूवमेंट नहीं हो रही है आप दोनों के रिलेशनशिप में, लेकिन स्पिरिचुअली अगर मैं बोलूँ तो आपके पर्सन भी ग्रो करने लगे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून कार्ड है मेरे पास, ये मुझे दिखा रहा है कि जो हो रहा है बिल्कुल सही हो रहा है, आप सही दिशा की तरफ आगे बढ़ रहे हो। अभी तो आप आगे ही बढ़ रहे हो, ये जो हो रहा है आपको फ्लो के साथ जाना है, चीज़ों को इस वक्त कंट्रोल नहीं करना। अगर आप में से कुछ लोगों का मुझे यहाँ पे दिख रहा है नंबर 9, 9 मंथ हो सकते हैं, 9 ईयर्स भी हो सकते हैं आप लोगों के इस कनेक्शन को, कुछ लोगों का ये इन्फ्लुएंस 9 वीक भी हो सकता है। नंबर 9 दिख रहा है कि वो थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस इतना टाइम लगेगा। नंबर 9, काफी इम्बेलेंस है आपके पर्सन इस वक्त। थर्ड पार्टी का मैंने बताया है, कुछ लोगों का मदर इश्यूज भी है, हो सकता है वो ऑलरेडी मैरिड है, उनके बच्चों की माँ है जो थर्ड पार्टी आप लोगों के बीच में है। कुछ लोगों के केसेस में ऐसा भी है, कुछ अनमैरिड हैं लेकिन वो अलग है क्योंकि उनके रिलीजियस फैक्टर है आप दोनों की रिलेशनशिप में। तो मैं ये देख रही थी कि ना जो थर्ड पार्टी है उसका इन्फ्लुएंस कब तक ख़त्म होगा। ऑलरेडी अगर उनकी मदर है, ऐसा भी पॉसिबल है कि आप दोनों के रिश्ते को उनकी मदर हानि कर रही हैं। यस, तो कब तक इसका आंसर है 9 मंथ, 9 वीक्स, 9 ईयर। कुछ लोगों के, अगर आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हैं, उनकी वाइफ है या कोई हस्बैंड है, उनके बच्चे हैं, आपको 9 ईयर्स तक का वेट करना पड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन अगर किसी की बनी है, आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, आपको इतना इंतज़ार करना पड़ सकता है। कुछ लोगों की सिचुएशन अगर रिलीजियस ही फैक्टर है कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, तो 9 मंथ में आपके पेरेंट्स हाँ कर सकते हैं इस शादी के लिए, ऐसी संभावना है। तो ये है रीडिंग पाइल 2 वालों के लिए। होप गाइस आपको रेजोनेट की हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अब मैं पाइल 3 वालों के लिए रीडिंग करूँगी। पाइल 3,
पाइल थ्री वालों के लिए क्या निकल के आता है, चलिए देख लेते हैं। पाइल थ्री कुछ मूवमेंट तो दिखाई दे रहा है, आप लोगों के रिलेशनशिप में काफ़ी पॉजिटिव मूव है आपके पार्टनर का, या फिर आपने शायद आगे बढ़ने के बारे में सोचा है, या फिर इस वक्त आपके जो पार्टनर हैं वो इस रिलेशन को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। चलिए देख लेते हैं ये पॉजिटिव चेंज किधर जा रहा है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है आप दोनों के कनेक्शन में, ये कोई भी एक लेडी हो सकती है आप दोनों के कनेक्शन में, उनकी बड़ी सिस्टर, मदर, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो ऑलरेडी मैरिड है। यस, कर्मा जुड़ा हुआ है, कार्मिक डेथ जुड़े हुए हैं, किसी की यहाँ पे कोई गलती नहीं है, जो भी हो रहा है वो होना ही था, आपको ऐसी सिचुएशन से डील करना ही पड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उस थर्ड पार्टी के भी कर्मा जुड़े हुए हैं। तो अगर ऐसी सिचुएशन आपको बनी हुई है तो उनको ब्लेम देने की बजाय आप अपने अंदर फॉरगिवनेस लेके आइए, सोल लेवल पे आप उनके साथ भी कनेक्शन को ठीक करने की कोशिश कीजिए। सोल लेवल पे आप उपनो प्रे कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा परेशानी हो रही है वो थर्ड पार्टी आप दोनों के रिलेशन में अगर आ चुकी है, क्योंकि आप इस चीज़ को बदल नहीं सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपके कर्मा से जुड़ा हुआ है। इसके लिए एक ही सलूशन है, फॉरगिवनेस, सरेंडर करना है आपको, सरेंडर टू गॉड, ताकि आपके कर्माज हील हों। आप इस सिचुएशन में, जो टफ सिचुएशन आप दोनों के बीच में बनी हुई है, ये ख़त्म हो। वो तभी होगा अगर आप अपने अंदर की कड़वाहट ख़त्म करेंगे, उसके लिए अगर आप ब्लेम देना बंद करेंगे तब आप अपने कर्मा को बहुत जल्दी रिजोल्व कर सकते हैं। बना हुआ है इशू, यस, ट्विन फ्लेम कार्ड भी है यहाँ पे दिखा रहा है, काफ़ी लो वाइब्स भी हैं, आपको हीलिंग मेडिटेशन करने की गाइडेंस है, क्योंकि इस चीज़ से आप को डील करना है तो थोड़ा सा मुश्किल तो होगा, यस, लेकिन ये सिचुएशन आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि यूनिवर्स ने कुछ आपके लिए अच्छा प्लान किया हुआ है। अगर आप सरेंडर करते हैं, आपके कार्मा, जो कार्मिक डेप्थ है वो भी क्लियर होने के चांसेस है। जितनी जल्दी आप सरेंडर कर दें, फॉरगिवनेस लेके आएंगे, उतना ही जल्दी आप इस सिचुएशन को रिलीज़ कर पाएंगे, वो थर्ड पार्टी भी रिलीज़ होगी। अदरवाइज 6 ईयर्स तक का यहाँ पे मेरे पास टाइम है, कुछ लोगों को मैं अगर बोलूँ तो 4 मंथ भी दिख रहा है, 4 वीक्स 4 मंथ में आपको होगा, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ईयर्स तक बात जा रही है, 3 साल 6 साल तक का भी आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है इस थर्ड पार्टी का बाहर जाने का, आप दोनों के रिलेशन से। तो आपको इतना इंतज़ार करना पड़ेगा उन लोगों के लिए। तो ये है रीडिंग, उसके बाद वो मुझे दिख रहे हैं आप दोनों के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं आपके पार्टनर के साथ। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं, आपके पर्सन किसी और को पसंद करने लग गए, आपके हस्बैंड या वाइफ, तो आपको ज़रूरत है सॉफ्ट रहने की, इस वक्त संयम रखने की। मैं जानती हूँ मुश्किल हो जाता है ऐसे हालात में, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना आप गलत हो। जितना फॉरगिवनेस लेके आओगे, ब्लेम देना बंद करोगे, कई बार होता है ना कि हम बोलते रहते हैं भगवान ने ऐसा क्यों किया, हमें दुख दिया, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, हम यही बोल बोल के अपने कर्मास को कभी हील ही नहीं होने देते। जैसे ही हम हीलिंग मांगते हैं, सरेंडर करते हैं यूनिवर्स को, तो आप देखते हैं कि उसके बाद ही पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू होता है एक एक करके अपनी लाइफ में।
ऐसे सिचुएशन से डील करने के लिए यही एक रास्ता होता है, माफ करके आगे बढ़ जाओ। जो भी आपके लिए गॉड ने सोचा है, वो सही कर रहा है, इस बात का भरोसा रखिए। आगे आने वाला टाइम आपका ठीक होगा, ये रिलेशन आपका अच्छे होंगे, वो दोबारा से आएंगे आपकी लाइफ में और आप दोनों का रिश्ता पहले से बेहतर बनेगा। तो यह है रीडिंग पाइल 3 वालों के लिए। होप गाइस आपको रेजोनेट की हो, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि इस तरह की वीडियो आप देखते रहें। मिलती हूँ मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।